दोस्तों, मैंने अपने पिछले किसी वीडियो में कहा था कि फेसबुक अपने पेआउट सिस्टम में कुछ अपडेट कर रहा है, यानी पेमेंट का जो सिस्टम है उसमें फेसबुक कुछ बदलाव कर रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी अपडेट के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वैसे ये बहुत बड़ा अपडेट नहीं है, लेकिन एज ए फेसबुक क्रिएटर आप लोगों को इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पेआउट अकाउंट से रिलेटेड अपडेट है। और आपको पता है, फेसबुक से हम पैसा कमाते हैं तो हमारा पैसा पेआउट में आता है, और पेआउट के बाद ही हमारे बैंक अकाउंट तक पहुंचता है। तो पेआउट अकाउंट अगर हमारा सही रहेगा और पेआउट के बारे में हमें सही जानकारी रहेगी, पेआउट की क्या पॉलिसी है हमको पता रहेगा, तभी हम फेसबुक से पैसा अपने बैंक अकाउंट तक रिसीव कर सकते हैं। तो क्या फेसबुक अपने पेआउट में अपडेट कर रहा है, चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं और वहां पर आपको डिटेल से दिखाते हैं। वैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे मोबाइल फोन पर भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मोबाइल फोन पर कुछ पेज ऐसे हैं जो ओपन नहीं होंगे, जिसके लिए मुझे डेफिनेटली कंप्यूटर का स्क्रीन यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले चलूंगा। वैसे कुछ लिंक्स होंगे जिसका लिंक आप चाहेंगे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके खुद उन चीजों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको सब कुछ दिखाते हैं। उससे पहले दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं, आपके सामने एक पेआउट अकाउंट हमने ओपन किया है जहां पर अर्निंग तो कुछ भी नहीं हुई है, लेकिन आप ऊपर देखेंगे यहां पर लिखा है अर्न मोर टू गेट पेड, और यहाँ $100 की अर्निंग के लिए बताया गया है, जो कि मैक्सिमम पेआउट अकाउंट पे अभी ये पॉपअप मैसेज देखने को मिल रहा है। लेकिन अपडेट की बात करें, जिस अपडेट के बारे में आपको बताने वाला हूं, उस अपडेट को देखने के लिए यहां पर ये जो क्रॉस का निशान दिख रहा है, जैसे मैं इस पॉपअप विंडो को बंद करूंगा, आप देखेंगे यहां पर लिखा है अपडेटेड टर्म्स ऑफ पे आउट। पेआउट का जो टर्म जो है, यानी कि जो शर्तें हैं जो अपडेट किया गया है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मेटा नाउ यूजेस हाइपर वॉलेट। अब क्या कह रहा है कि मेटा अब हाइपर वॉलेट को यूज कर रहा है पेआउट के लिए। ए पेपल सर्विस टू डिलीवर पेमेंट्स टू यू, हाइपर वॉलेट्स पेमेंट सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू देयर टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर यहां पर क्लिक करके मैं आगे आपको बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि फेसबुक यानी कि मेटा कंपनी अब हाइपर वॉलेट का यूज कर रही है आपके पेआउट अकाउंट को भेजने के लिए। अब ये हाइपर वॉलेट क्या है आपको बता दें, हाइपर वॉलेट मीन्स आपके अर्निंग को और जल्दी फेसबुक आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचा देगा पेआउट के सॉरी पेपल की मदद से, ठीक है, अगर आपने अपना पेपल अकाउंट लगाया है आपके पेआउट अकाउंट में तो, राइट। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है कि लेकिन हम तो डिलीवर करेंगे, पेमेंट भेजेंगे, लेकिन यहां पर जो भी पेपल अकाउंट आप लगाएंगे उनकी जो कंडीशंस होंगी उसे भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर लिखा है हाइपर वॉलेट्स पेमेंट सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू देयर टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, यानी कि पेपल अकाउंट के जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो भी अप्लाई होंगे, साथ में मेटा का जो पेमेंट सिस्टम का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है यानी पॉलिसी है वो भी अप्लाई होगा, राइट। तो मेटा ये बस सिंपल सा कह रहा है कि हम अब हाइपर वॉलेट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, अब वायर ट्रांसफर बैंक अकाउंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हाइपर वॉलेट के थ्रू पेपल अकाउंट लिंक करके अपने पैसे को मंगा सकते हैं, ठीक है। या ये बस इतना सा कहने का मतलब, बस यही सिंपल सा अपडेट यही है। लेकिन इसके बारे में और अगर डिटेल से आपको बताएं, तो यहाँ पर लिखा है व्यू हाइपर वॉलेट्स टर्म्स, यानी कि इसकी शर्तें क्या है वो लिखा है। एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से भाई ऐसे होंगे जिनको अभी तक मेरी बात समझ में शायद नहीं आई होगी। देखिए, अगर आप बैंक ट्रांसफर यूज करते हैं तो आपको जो आपका जो पेमेंट होता है फेसबुक का, वो आपके बैंक अकाउंट में कितने टाइम में आता है, 5 से 7 दिन लग जाते हैं आपके बैंक अकाउंट में आने के बाद। जैसे ही फेसबुक पर पेड होता है, उसके 5 7 दिन बाद हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसा आता है, राइट। वायर ट्रांसफर करते हैं तो 7 दिन बाद ही, उसके बाद ही हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आता है। और वहीं अगर हम पेपल अकाउंट यूज करेंगे तो फेसबुक यानी कि मेटा क्या करा है कि हम हाइपर वॉलेट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आपका पेमेंट जो थोड़ा सा जल्दी आएगा, थोड़ा जल्दी आ सकता है पेपल में, आपके डायरेक्टली पेपल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो हमें सिंपली यहाँ पर चलिए क्लिक करके आपको दिखाते हैं व्यू हाइपर वॉलेट्स टर्म्स, ठीक है। और आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा पॉपअप विंडो देखने को मिला है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब जैसे देखिए, हमने वहां पर क्लिक किया है हाइपर वॉलेट पेपल सर्विस, यहाँ पे आ गया, तो ये पेपल की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ना कि फेसबुक का। ये फेसबुक का नहीं है, ये पेपल अकाउंट का, यानी पेपल जो सर्विस है। अगर आपको पेपल के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से हम लोग गूगल पे पेटीएम फोन पे यूज करते हैं, वैसे ही पेपल का भी एक एप्लीकेशन भी आता है और उनका वेबसाइट पर भी काम चलता है। तो पेपल का अगर आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो वो अकाउंट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। इसके बारे में डिटेल वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो पेपल पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि पेपल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पेपल अकाउंट कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो जैसे हम यहाँ पे आएंगे हाइपर वॉलेट पे, यहाँ पर देखिए लीगल लिखा हुआ है और यहाँ पर हाइपर वॉलेट का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है। जैसे हाइपर वॉलेट टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यही चीज़ें मैं पढ़ता हूँ इसलिए मुझे प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता है कि क्या प्रॉब्लम कहाँ से ठीक हो सकती है, ठीक है। यही चीज़ आप लोग नहीं पढ़ते हैं
तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए टोटल 46 पेज का आप यहाँ पर देखेंगे, मेरा माउस कर्सर जहाँ पे मैं हिला रहा हूँ, ये देखिए 146 पेज का यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसका लिंक आप कहेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वैसे मैं दे दूंगा, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या है, अगर मैं यहाँ पर नीचे चलूंगा डायरेक्टली और यहाँ पर मैं इसे कंटिन्यू कर, देखिए यहाँ पर लिखा है इफ़ द डॉक्यूमेंट यू सेलेक्टेड इज नॉट डिस्प्लेड डाउनलोड कॉपी, तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाएगा। हाइपर वॉलेट प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जरूरी नहीं है, वैसे नॉर्मल होता है प्राइवेसी पॉलिसी अगर, लेकिन अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पेपल की क्या कंडीशन है, पेपल में पैसा आएगा तो वो आपके बैंक अकाउंट में आप कैसे लेंगे, उन सब के बारे में इसमें बताया रहेगा, ठीक है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ, कंटिन्यू करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, हाइपर वॉलेट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड कम्युनिकेशन डिलीवरी पॉलिसी। यहाँ पर कुल मिला के पॉलिसी के बारे में बताया गया है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड कम्युनिकेशन डिलीवरी पॉलिसी। ये पॉलिसी है पेपल का, ना कि फेसबुक या मेटा का, इसको भी आपको पढ़ लेना है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे बचा है पेपल एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी, ये भी पॉलिसी के बारे में बताया गया। तो इन सब चीज़ों को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इन सब का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सिंपल भाषा में ये कहें कि अब फेसबुक अपने जो पेपल अकाउंट का जो सिस्टम था, पेआउट था, उसमें अपडेट किया है हाइपर वॉलेट को यूज करने के लिए। आई होप कि आपको इस अपडेट के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है पेआउट को लेकर या फिर पेपल अकाउंट को लेकर, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई तो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन हाँ कुछ कमेंट्स की रिप्लाई देता हूँ, और कमेंट्स करने के बाद, पढ़ने के बाद एक्चुअली जो मुझे समझ में आता है उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाने की भी कोशिश करता हूँ। आई होप दोस्तों कि आपको इस वीडियो में जो अपडेट फेसबुक का आया है पेआउट को लेकर वो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।